सो फाइनली नया साल आ चुका है जो कि है 2023 एंड आई विश यू ऑल अ हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू सो मच यार तुम लोग मतलब मेरे साथ रहने के लिए, ब्रोज, ऑडियंस, सब्सक्राइबर, कुछ भी बोलूँ मतलब तुम लोग को अलग ही खुशी है तुम्हारे साथ मेरी यार। और थैंक यू सो मच तुम लोग मेरे को सुनते हो, एटलीस्ट कोई तो सुनता है। और आज न्यू ईयर है तो एटलीस्ट जो ठंडी में नहीं नहाते प्लीज़ भाई नहा लेना, आज भर स्किप मत मारना ठीक है। 2022 में हम एटलीस्ट 30,000 सब्सक्राइबर तक आ चुके हैं, तो देखना इस बार आई थिंक 2023 में मैं अपने दम पे 1 लाख तक तो खींच ही दूंगा यार। बस तुम लोग साथ में रहना ठीक है, तुम लोग साथ नहीं छोड़ना, बिकॉज जिन अपनी नई नई ऑडियंस होती है ना उसका एक अलग ही फीलिंग, अलग ही प्यार होता है भाई। और हाँ सॉरी कई बार यार वीडियो लेट भी आती है, बिकॉज ये मेरा 12th क्लास है ना, तो कई बार प्री बोर्ड्स, टेस्ट, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। एंड सच बताओ तो मेरे को जितना लगा था मैं यूट्यूब को इजीली ले पाऊंगा, आई थिंक उतना इजी है नहीं यार। मतलब काफ़ी कंसिस्टेंसी चाहिए होती है, काफ़ी डिसिप्लिन चाहिए होता है, काफ़ी दम लगता है। ये चीज़ें मेरे को सीखने को मिली जब मैं यूट्यूब पे आया। सो अगर तुम भी यूट्यूब पे आना चाहते हो तो बाकी सब चीज़ें बात की हैं कि टैलेंट कितना है, ये कितना है, वो कितना है, लेकिन अगर तुम कंसिस्टेंटली मतलब परमानेंटली चीज़ों को नहीं कर रहे हो ना डिसिप्लिन से, बस मन कर रहा है तो बना रहे हो, मन कर रहा है तो नहीं बना रहे हो, ऐसे नहीं हो पाएगा। तुम्हें लगातार करना पड़ेगा, पुश करना पड़ेगा। अगर लाइफ में बहुत मुश्किल चल रही है और तुम अगर हिम्मत हार रहे हो ना, तो यार कुछ लाइन्स है मेरे पास जो तुम्हें हमेशा याद रखनी चाहिए। मैं भी जब भी गिरता हूँ तो मैं यही लाइन्स को सुनता हूँ कि तेरी वो रफ्तार हो रोके से भी तू ना रुके, हासिल कर तू ऐसा शिखर पर्वत की भी नजरें उठें, आशाएं खिले दिल की उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। जाओ अब फोड़ दो इस साल, दिखा दो सबको, जाओ।